करें शुरू। चलो, यू नो व्हाट, ये जो करें शुरू होता है ना वर्ड, इसको शुरू करने के लिए ना भैया 2.5 घंटे। गाइस वेलकम बैक टू मी चैनल, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो होने वाली थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट है। हमेशा आप लोग यहाँ से देखते हो ना वीडियो, हाई गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब, यहीं से शुरू होती है ना वीडियो हमेशा, है ना। तो चलो आज आपको मैं दिखाती हूँ कि ये लाइन बोलने से पहले 2.5 घंटे कौन सी मेहनत की जाती है। मतलब लिटरली ना 2.5 घंटे एग्जैक्टली, आप 2 घंटे लगा लो या 2.25 घंटे लगा लो, मतलब इतना तो है, लगता ही लगता है टाइम। एक एक चीज को सेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके वीडियो के सामने थोड़ा सा ना प्रेजेंटेबल दिखते हैं। एंड मैं अपनी वीडियोस के लिए कैसे तैयार होती हूँ, क्या छोटी 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 चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, या किस चीज़ में ये इतना टाइम लग जाता है। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड या आज आपको मेरे बाल अच्छे लगे थोड़ा सा, लाइक दे लुकिंग सो नाइस, और इतने सॉफ्ट स्मूथ सिल्की हैं। आज मैंने कौन से हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसका भी थोड़ा सा आपको मैं डिटेल दूंगी, तो लेट्स बिगिन। ये आप देख सकते हो मेरी अलमीराज है, 2 अलमीराज है जिनमें लाइक मेरा कपड़ों का सामान एंड ये वो सब कुछ सॉर्ट आउट करके ना इसे बास्केट्स में रखा होता है। तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना होता है कि आज मैंने कुछ इंडियन कपड़े डालने हैं, कुछ इंडियन मेकअप लुक क्रिएट करना है, लाइक जिस तरह की वीडियो मैंने बनानी है उसके अकॉर्डिंग मुझे कपड़े सोचने पड़ते हैं कि मैंने ना कौन से कपड़े मैं डालूं। तो आज मैंने बहुत ना सिंपल वाला, ईजी वाला, कुछ ऐसा वाला मेकअप लुक करना था, तो उसके लिए मैंने ये पिंक कलर की टॉप निकाली बेसिक वाली। इसको मैंने शीन से, शीन हॉल अभी भी जस्ट अपलोडेड है, नहीं देखिए आप जाके चेकआउट कर लेना। बाल और मेरी आप शक्ल देख सकते हो, मैं सुबह नहाई थी बट घर का सारा काम करके ना थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाता है, तो मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ उससे पहले मैं एक बार जरूर शावर ले लेती हूँ। बट आज तो मैंने शैम्पू करना था क्योंकि मेरे बालों में ऑयल भरा पड़ा था, लास्ट नाइट मैंने ऑयलिंग वगैरह की थी, तो आज मैं यूज करूंगी वाव का शैम्पू और वाव का कंडीशनर। वाव काफी अच्छा ब्रांड है, केमिकल फ्री ब्रांड है, इसके अंदर कोई भी पैराबेंस नहीं होते, सिलिकॉन्स नहीं होते, मिनरल ऑयल नहीं डाला हुआ इसके अंदर, और हाइपो एलर्जेनिक ये वाला ब्रांड है। एंड पीएच बैलेंस ना ये थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं ताकि आपका स्कैल्प ओवर ड्राई ना हो जाए। एक स्कैल्प वगैरह क्लीन भी होना चाहिए लेकिन आपका जो पीएच बैलेंस है ना वो मेंटेन रहना चाहिए। सबसे पहले मैं यूज करूंगी वाव का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। ये इस जेंटली आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा लेकिन ये आपको ड्राई आउट नहीं करेगा आपके बालों को। और इसके अंदर डाला 100% नेचुरल रॉ हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर। जो अच्छी क्वालिटी के एप्पल्स होते हैं उससे ही ये वाला शैम्पू बना हुआ है। ये आपके जितने भी गंदगी है ना आपके बालों में जो भी बिल्डअप हो जाते हैं उसको रिमूव करेगा, बालों को सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा और शाइनी करेगा। इसके अंदर नेचुरल और प्योर एप्पल साइडर विनेगर है जो हिमालयन एप्पल्स के थ्रू बनाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर 2 नेचुरल DHT ब्लॉकर्स भी हैं, जैसे नेटल लीफ और 100 पालमीटो एक्सट्रैक्ट भी है इसके अंदर। एनरिच्ड है ये प्योर एंड नेचुरल बोटेनिकल से, जिसकी वजह से आपके शैम्पू बहुत ही ज्यादा ना स्वीट स्मेल आती है, मतलब अच्छी सी खुशबू आती है। और ये डैंड्रफ के ऊपर भी काम करेगा, स्कैल्प को तो क्लीन करेगा साथ में डैंड्रफ के ऊपर काम करेगा और आपके बाल भी अच्छे बनाएगा। क्रुअल्टी फ्री ये वाला ब्रांड है, फॉर्मुलेटेड इन USA, 100% वीगन है, ग्लूटन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड इन हिमालय, देख सकते हो वेजिटेरियन है ये वाला प्रोडक्ट। और 2 ईयर्स आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी, 499 रुपीज का ये वाला शैम्पू है। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना, मे बी अगर कोई डिस्काउंट वगैरह होगा तो। एंड 300 ml इसकी क्वांटिटी दी हुई है, पंप के साथ ये वाली आपको बॉटल आती है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज, इजीली यूज हो जाती है, जस्ट आपने इसको प्रेस करना होता है। सबसे पहले मैं अपने बालों को गीला कर लूंगी। जब भी आप अपना शैम्पू करते हो ना अपने बालों को अच्छी तरह से वेट कर लिया करो ताकि आप जो भी शैम्पू यूज करो आपके बालों के अंदर तक जाए और अच्छी तरह से गंदगी साफ कर दे। मैं यूज कर रही हूँ वाव का शैम्पू, पंप के साथ आता है तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है, आप देख ही सकते हो। ये मग है मेरा, मग में ना थोड़ा सा पानी ले लिया था मैंने, उसमें अगर मैं शैम्पू डाल के मिक्स करती हूँ ना तो बहुत अच्छा, एक तो लेदर हो जाता है शैम्पू भी, इससे आपका कम क्वांटिटी में लगता है, अच्छी तरह से आपके बालों में अच्छी तरह से स्प्रेड भी हो जाता है। और अब देखो ये मैंने थोड़ा सा भी डाला था शैम्पू, इतना डाला भी नहीं था, लेदर देखो ये कितना ज्यादा करने लगेगा, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट शैम्पू यूज करते हो ना तो शैम्पू बहुत ज्यादा लगता है। वाव के प्रोडक्ट्स मुझे काफी पसंद आते हैं, मेरे हेयर्स को भी यार सूट करते हैं। एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसने लेदर कर लिया, मसाज करो 3-4 मिनट के लिए ताकि जितनी भी ऑयल है, गंदगी है, धूल है, मिट्टी है आपके बालों में, सब कुछ अच्छी तरह से क्लीन हो जाए हेयर की लेंथ के ऊपर भी। एंड जस्ट उसके बाद मैं उसको रिंस आउट कर दूंगी, रिंस आउट बहुत अच्छी तरह से किया करो, शैम्पू का रेसिड्यू बालों में नहीं रहना चाहिए आपके।
शैम्पू करने के बाद मैं यूज करने वाली हूँ वॉक का कंडीशनर। इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, दोनों ही प्रोडक्ट को मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हो कंडीशनर लाइक इतनी क्वांटिटी डियर मैं यूज कर चुकी हूँ, जस्ट दिस मच इज लेफ्ट। कोकोनट ऑयल वाला कंडीशनर है तो आपको पता है यार, ये कोकोनट आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको डीप कंडीशनिंग करेगा। अगर आपके बाल पतले हैं या फिर वीक है या फिर डैमेज्ड है, ये उसको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ कर देता है। ऑर्गेनिक वर्जन कोकोनट ऑयल है, साथ में इसके अंदर अवोकाडो ऑयल भी डाला है। या आपके अगर आपके कलर ट्रीटेड हेयर हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा सेफ है। तो मेरे तो यार ऑलरेडी आपको पता ही है, मैंने अपने बालों में कलर वगैरह करवा लिया है। 300 ml की भी बॉटल है और साथ में आपको ये पंप वगैरह मिल जाएगा, विच इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ, डल, ड्राई, फ्रीजी लगते हैं ना, तो आप ये वाला कंडीशनर जरूर अप्लाई करो। इसके अंदर जो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट और अवोकाडो ऑयल डाला है ना, वो रिच इन विटामिंस है, मिनरल्स है, फैटी एसिड्स है, जो आपके जो भी बालों का जो मॉइस्चर लॉस हो जाता है ना, वो उसको वापस लेके आते हैं। इसके अंदर और भी चीजें डाली लाइक आर्गन ऑयल डाला है, एलमंड ऑयल डाला है, जो जेंटली ना पेनिट्रेट करेगा आपके बालों के अंदर, वो जेंटली जाएगा और आपके जितने भी बालों का जो लॉस हो जाता है ना मॉइस्चर, वो उसको रिटेन करेगा और नेचुरल से शाइन आ जाते हैं आपके बालों में। तो डेफिनेटली आपको इसको ये ट्राई करना चाहिए। आपको मैं बता देती हूँ, 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है और 495 rupees का ये वाला कंडीशनर है। सेम वैसे ही जैसे शैम्पू का, क्रुएल्टी फ्री, फॉर्मुलेटेड इन USA, 100% वीगन, ग्लूटेन फ्री और द हिमालय, मेड इन हिमालय है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। शैम्पू करने के बाद मैं जितना भी एक्सेस वाटर होता है बालों में से रिमूव कर लेती हूँ, ताकि जो भी मैं कंडीशनर अप्लाई करूँ तो अच्छी तरह से बालों में मेरे पेनिट्रेट हो सके। वाव का कंडीशनर यूज कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल और एवोकाडो ऑयल वाला, एंड क्वांटिटी आप देख सकते हो यार, मैंने आधी से ज्यादा बॉटल इसके कम्प्लीट कर ली है। और पंप के साथ आता है, वेरी कन्वीनियंट टू यूज। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही यूज करती हूँ क्योंकि मेरे बालों की लेंथ थोड़ी ज्यादा है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यूज करो, अच्छी तरह से कंडीशनर लगाना है बालों की लेंथ के ऊपर। फिर मैं अपना शावर ले लेती हूँ, जितनी देर मैं शावर लेती हूँ 5 मिनट के लिए मेरे बालों में कंडीशनर लगा रहता है, उसके बाद फिर मैं इसको पानी के साथ धो देती हूँ। तो जरूर आप ये वाले शैम्पू और कंडीशनर को ट्राई करो। वैसे तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये मैं शावर लेते समय कर लेती हूँ, बट आज पता नहीं क्या हुआ मैं भूल गई, तो अभी मैं कर रही हूँ इसको। और मैं करती जरूर हूँ, लाइक जब आप वीडियो बनाते हो तो आपके यू नो थोड़ी सी ये अनवांटेड हेयर नहीं दिखने चाहिए कैमरे के ऊपर, बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं। वाओ की एलोवेरा जेल मैंने यूज कर ली, तो थोड़ी सी अप्लाई करूंगी, बहुत ही ज्यादा सूथिंग वाली जेल है। जस्ट मैं अपने इसको रेजर के साथ रिमूव कर दूंगी बालों को, अनवांटेड हेयर्स को। आप देखना एकदम स्मूथ हो जाएगी स्किन, क्योंकि डियर अगर आप जब आप टॉप डालते हो या तो फुल स्लीव्स डाल लो तो कोई बात नहीं, अगर आप हाफ स्लीव्स डाल लो तो ये दिखना नहीं चाहिए। तो आज मेरी नेट की टॉप थी तो अच्छा नहीं लगता, बीच में यू नो हेयर्स वगैरह दिखते हो, अनटाइडी सा लगता है। मैंने जस्ट क्लोथ के साथ इसको वाइप आउट कर दिया वो, एंड आप देख सकते हो स्मूथ। मेकअप करने से पहले मैं एक चीज का और ध्यान रखती हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फेशियल हेयर्स को रिमूव करना। क्योंकि अगर आप इतना सारा फाउंडेशन लगा रहे हो, कंसीलर लगा रहे हो और अगर वहां पे बाल है तो लाइक बहुत ही ज्यादा गंदे और अनटाइडी दिखते हैं, मेकअप भी नहीं ढंग से लगता है। मैं यूज कर रही हूँ ये रेजर, जो फेशियल रेजर होता है आपको पता ही है। यूजुअली डियर मैं अपने फेस के ऊपर यूज करती हूँ फेशियल रेजर, जो फोरहेड और आईब्रोज है ना, ये मैं पार्लर से ही बनवाती हूँ, खुद नहीं करती। बट सम टाइम्स लाइक नहीं बनवा पाती, टाइम नहीं रहता, तो इसको क्या करती हूँ थोड़ा सा क्लीन अप कर लेती हूँ। फोरहेड क्लीन अप कर लिया, अब मैंने क्या करना है, सीजर लेके, ये छोटी सी किट थी ये मैंने मंगवाई थी, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जो बालों की लेंथ होती है ना आईब्रोज की, उसको मैंने कट कर लिया सीजर्स के साथ। और अब ये जो आईब्रोज होते हैं ना, छोटे छोटे वाले जो बाल ब्राउ बोन के ऊपर होते हैं, उसको मैं प्लक कर लूंगी प्लकर के साथ, मतलब थोड़ा बहुत जस्ट क्लीन अप सा कर लूंगी ताकि मेकअप आपका अच्छा दिखे। वैसे मैं अपना पार्लर में ही सब कुछ करवाती हूँ। एंड अब मैं यूज करूंगी ये नेल पॉलिश लगा लूंगी, दैट्स इट, नेल पॉलिश लगा रही हूँ, ड्राई होने का मैं वेट कर रही हूँ। अब बारी आती है मेकअप चूज करने की, तो ये है मेरे मेकअप वाले बॉक्सेस जो आपने देखे हैं मेरी वीडियोस वगैरह में। तो जो जो मेकअप चाहिए होता है मुझे उस लुक को क्रिएट करने के लिए, वो मैं पहले ही ना अपना अलग से निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब मेकअप करते समय आप बीच बीच में बारी बारी से हर एक बॉक्स नहीं ना खोल सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए पहले ही साइड में थोड़ा सा करना पड़ता है। लाइक ईच एंड एवरीथिंग आप देख ही सकते हो, कॉम्पैक्ट हो गया, फाउंडेशन हो गया, हाईलाइटर हो गया, ब्लश, आई शेडो पैलेट हो गया, लाइक काजल हो गया या फिर मस्कारा हो गया, मतलब हर एक चीज पहले ही अलग से निकाल के रखनी पड़ती है। नहीं तो भाई मुझे तो एक तो वैसे जल्दी मेकअप करना नहीं आता, और अगर बीच में बार बार निकालना पड़े फिर तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ये मैंने अभी अपना वो निकाला था मेकअप सेटिंग स्प्रे और प्राइमर निकाला था, अब मैं अपनी ये हीटिंग टूल निकाल रही हूँ, ये मेरी मतलब स्ट्रेटनर्स निकाल रही हूँ मैं,
एंड अब ये है ज्वेलरी, डेफिनेटली ज्वेलरी के लिए भी 5 मिनट लग जाते हैं यार, देखना पड़ता है कौन से कपड़ों के साथ कौन सी ज्वेलरी जा रही है, ऐसे ही कुछ भी नहीं ना डाल सकते, आपको पता है ना इंडियन के साथ डिफरेंट ज्वेलरी होती है, वेस्टर्न कपड़ों के साथ डिफरेंट ज्वेलरी डालनी पड़ती है, तो बस वही सब कुछ देखना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है उसमें, और थोड़ा सा टाइम लग। हे गाइज, अब आप देख सकते हो मैं कर रही हूँ अपना मेकअप, ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ, ये वाली मेकअप वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, मैंने सॉफ्ट पिंक स्मोकी आई लुक क्रिएट किया था, नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतनी देर से आप देख सकते हो मैं इस मेकअप लुक को करने के लिए इतनी तैयारियां कर रही थी, लाइक फेशियल हेयर रिमूव करना, शैम्पू करना, कंडीशनर करना एंड यू नो नेल पॉलिश लगाना, तो इट टेक्स टाइम। सब कुछ करने के बाद, रेडी होने के बाद मैं अपने बालों में थोड़ी सी प्रेसिंग करती हूँ, हार्डकोर वाली प्रेसिंग नहीं करती बट हल्की फुल्की से करती हूँ, एंड वाओ के मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए तो उससे आप देख सकते हो मेरे बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल लग रहे हैं, शाइनी लग रहे हैं। अब आपने देख लिया कि ये मेरा इतना टाइम कैसे लग जाता है, तब जाके ये हाई गाइज वाले पार्ट शुरू होता है। तो यही थी डियर आज की वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेंट था, एंड यस वाओ की ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है इनके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। आई एम लविंग माय हेयर टुडे, एंड वैसे भी वाओ ब्रांड इज अ गुड ब्रांड, ये आप जानते हो, इसके अंदर पैराबेंस नहीं होते, सल्फेट्स नहीं होते और कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना। एंड मैं इनके प्रोडक्ट्स को फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रही हूँ, आई एम यूजिंग देम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और इनकी वीडियोज ऑलरेडी है मेरे चैनल के ऊपर, तो या मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ला बाय। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर देना, थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट था, कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में।